दोस्तों आज मैं पुराने दुपट्टे का इतना बेहतरीन सा आपको यूज़ बताऊंगी जिसको देख करके सच में आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ना तो हम इसको फाड़ेंगे ना तो हम इसको काटेंगे, और जब कभी भी आप इसको वेयर करना चाहें तो आप इसको वेयर भी कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्टॉल ले लिया है। अच्छा, हमने तो यहाँ पे स्टॉल लिया है, अगर आपके पास दुपट्टा हो तो आप दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है कि बीच से ना फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इक्वल इसको फोल्ड करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी छोटा बड़ा रहेगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए अब क्या करना है कि इस तरीके से ना इसको बिल्कुल बराबर करके और इस पर ना स्टिचिंग लगा लेनी है, मतलब इसको तीन तरफ से आपको स्टिच करना है, इस साइड से, इस साइड से और बीच से भी। तो देखिए यहाँ पे आप सिलाई मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने हाथों से भी इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए इसको हमने स्टिच कर लिया है, अब इसको ना सीधा करना है, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट स्टिच किया था इसलिए आपको ना सीधा करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आप ना देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने तैयार किया है एक बहुत ही बेहतरीन सा पिलो कवर। अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पिलो पड़ी हूँ आप इसके अंदर इसको डाल दीजिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही कम मेहनत में, कम एफर्ट में, बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए आप बहुत ही कम टाइम में इसको बना करके रेडी कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखिए इस पिलो कवर का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये जो फैब्रिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा थिन है, यानी कि बहुत पतला है, जिसके वजह से ये जो पिलो है ना इसके अंदर से सी थ्रू हो रही है। तो अगर आपके पास कोई मोटे फैब्रिक की दुपट्टा है ना तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, उसका बहुत ही बेहतरीन बनेगा। चूँकि हमने सिर्फ एक आइडिया आपसे शेयर किया है और टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप थोड़ा सा मोटे फैब्रिक को इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो कैसी लगी ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है हमारी टिप तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना ये जो प्रॉब्लम है ये सबके लिए बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत ही ज़्यादा घिन आती है इस तरीके की सफाई करने में। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े वॉश किए थे तो कपड़े के अंदर के जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर कुछ ऐसा कॉटन सा लगा होता है ना ये वही है। तो देखिए इसको उठाने के लिए ना आप हाथ का इस्तेमाल ना करें, आपको अगर घिन आती है तो इस तरीके से पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, जिसके वजह से आपका काम भी हो जाएगा और आपका जो एक प्रॉब्लम है कि नहीं जी हम नहीं करेंगे तो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इस पर सर्फ गिरा लीजिए या फिर कोई भी जो फ्लोर क्लीनर होता है उसको डाल करके, और बस कपड़े वाले ब्रश से आप इस तरीके से इसको रब कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। देखिए होप करती हूँ कि जो छोटी सी टिप थी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी टिप्स से आपको कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो बस यहाँ पर देखिए हमने पानी डाल करके इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जो ये एरिया है ना नेट वाली, ये बिल्कुल साफ हो गई है। देखिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए यहाँ भी मैं दुपट्टे से रिलेटेड ही आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक बेडशीट ले लेना है। अच्छा, ये बेडशीट कॉटन का है, अगर आपके पास मिक्स कॉटन की जो बेडशीट होती है ना आपने देखा होगा वो काफ़ी हल्की होती हैं और काफ़ी खूबसूरत भी होती हैं। तो देखिए हमने क्या करना है कि अगर आपके पास वो वैसा फैब्रिक है तो आप उस तरीके का बेडशीट ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये कॉटन की बेडशीट में बना करके दिखाया है। अब देखिए इसका जो एक कॉर्नर है ना वहाँ से इसको फोल्ड करके और इसको ऐसे राउंड राउंड हमें फोल्ड करना है। देखिए तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब देखिए हमें चाहिए दुपट्टा। अच्छा, जो दुपट्टे का साइज़ होगा ना, लेंथ विर्थ होगा, वो छोटा नहीं होना चाहिए, जो मतलब स्टैंडर्ड साइज़ होता है आप वैसा ही दुपट्टा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से फैला देना है। अब जो रोल बनाया था ना हमने, इस तरीके से इसके बीच में बिल्कुल रखना है। अब बीच से ना आप अंदर की तरफ से इसको ऊपर की तरफ खींचिएगा और खींचने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है ना चारों तरफ उसको इस तरीके से ना फोल्ड कर लेना है।
बहुत ही आसान है ये छोटा सा टिप, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, अगर आपके घर पे इस तरीके के पिलो कवर या फिर इस तरीके के पिलो नहीं है ना, तो आप अपने घर में बिल्कुल आसानी से बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए आप इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और घर की चीज़ों से हम इसको बना करके रेडी करेंगे। तो देखिए, ये सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको इकट्ठा कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको ना अंदर की तरफ जहाँ से हमने फैब्रिक को खींचा था वहाँ इसको अंदर हम ना इसको टक करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ही आप टक करेंगे ना तो जितना भी ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर की तरफ इस तरीके से राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप धागे भी बांध सकते हैं, अगर मजबूत धागा हो तो आप उसको भी बांध सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको टेम्परेरी काम करना है तो इस तरीके से आप इस पे रबड़ बैंड लगा दीजिए। तो देखिए ये कितना खूबसूरत सा, बिल्कुल छोटा सा, नन्हा मुन्ना सा, प्यारा सा एक पिल्लो बन करके तैयार है, राउंड शेप वाली जो पिल्लो होती हैं। और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, अपने बेड पे भी इसको आप लगा सकते हैं या फिर अपने सोफे पे भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए सोफे पे भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चूँकि साइज़ में थोड़ा छोटा है, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा तो आप बना सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि टिप अच्छी लगी होगी आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना अभी गर्मी आ गई है तो दूध जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बाहर नहीं रख सकते। तो कई बार क्या होता है कि इसको हम फ्रिज में डाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये फुल क्रीम जो दूध होता है ना ये बिल्कुल जम जाता है और उसकी क्रीम बिल्कुल उसी में जो पॉलीथीन होती है उसमें चिपक जाती है। तो आप जब कभी भी इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करें तो इस तरीके से अच्छे से इसको हिलाएँ, अच्छे से जिसको शेक करेंगे ना तो जितना भी इसके अंदर जो मलाई चिपकी रहेगी वो आसानी से मेल्ट हो जाएगी। और बस आप इसको कट करिए और दूसरे बर्तन में आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखिए एक भी इसमें मलाई नहीं लगी है, सारी मलाई दूध के अंदर आ गई है। तो ये टिप भी छोटी सी है लेकिन गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने चावल बनाया था, क्योंकि चावल देखिए कई लोग कुकर में भी बनाते हैं, कई लोग खुले बर्तन में बनाते हैं, तो आज हमने खुले बर्तन में बनाया था तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर दी जाए। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने टूथपिक लिया है, जैसे टूथपिक का इस्तेमाल तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था इसके बहुत सारे इस्तेमाल, तो आपको अगर चेकआउट करना है तो आप जा करके एक बार ज़रूर वीडियो को चेकआउट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी लिड है ना, लिड के अंदर इसको फंसाना है और इसके बाद से जैसे आप पानी को निकालते हैं वैसे ही आप इसको निकाल सकते हैं, जिससे आपका जो चावल है ना एक भी बाहर की तरफ नहीं आएगा, सिर्फ पानी ही निकलेगा। देखिए यहाँ पे हमने पानी को निकाल दिया है और बिल्कुल एक भी इसके अंदर पानी नहीं है। अच्छा, जो थोड़ा मोड़ा पानी है इसके अंदर उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी, जिसके वजह से आपका जो चावल है ना ये बिल्कुल खिला खिला बनेगा। इसको थोड़ा सा ना इसमें क्या करना है आपको कि 2 चम्मच के आसपास ना घी डाल देना है। घी डालने के बाद इसको मिक्स करना भूलिएगा मत, आप इसको ऊपर नीचे जो चावल है ना उसको थोड़ा सा हिला देंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब इसमें कैप लगाइए, मतलब इसकी जो लीड है वो लगाएँ और इसको बस सिम आँच पे इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक छोड़ें, ये बहुत ही अच्छे से खिला खिला चावल बन करके तैयार होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।